तो फ्रेंड्स अगर आप भी सैम अय्यूब को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक अच्छा और हाइटर ओपनर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के मकाम पर चला सैम अय्यूब शो। पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड चौथा टी ट्वेंटी मैच जो कि कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के मकाम पर खेला गया, इसमें सैम अय्यूब ने तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स को ना कुंचने चबा दिए। सैम अय्यूब ने फास्टेस्ट 50 स्कोर करके बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ रख दिया है और युवराज सिंह और साथ में ग्लेन मैक्सवेल को भी पीछे छोड़ दिया है। सैम अय्यूब ने आज चौथे टी ट्वेंटी मैच में कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है, आइए सैम अय्यूब की बैटिंग आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपने एक काम जरूर करना है, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में बेल आइकन को पुश कर देना है। इसका ये फायदा होगा कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स क्रिकेट के हवाले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चौथा टी ट्वेंटी मैच जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के मकाम पर खेला गया, इसमें पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करवाने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए 210 रन बोर्ड पर स्कोर कर पाई और पाकिस्तान की आप से 3 विकेट्स मोहम्मद आमिर ने लिए जबकि 3 विकेट्स शाहीन शाह आफरीदी ने लिए और 2 खिलाड़ियों को नसीम शाह ने आउट किया। शदाब खान और अब्यार अहमद के खाते में एक एक विकेट आई और जब बारी आई पाकिस्तान की टीम की तो सैम अय्यूब तो पागल ही हो गया। पाकिस्तान की जब से ओपनिंग करने के लिए आए बाबर आजम और सैम अय्यूब, बाबर आजम आराम से खेलते रहे लेकिन सैम अय्यूब ने दूसरे एंड से छक्कों की बरसात कर डाली। सैम अय्यूब ने न्यूजीलैंड के बॉलर्स को ऐसा मारा कि उनको अपनी नानी याद आ गई। सैम अय्यूब ने 10 बॉल्स पर 50 बनाकर टी20 क्रिकेट की हिस्ट्री का बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला। इससे पहले युवराज सिंह 11 बॉल्स पर 50 स्कोर कर चुके थे लेकिन अब सैम अय्यूब ने 10 बॉल पर 50 स्कोर करके टी20 क्रिकेट की हिस्ट्री बदल डाली है। तो फ्रेंड्स आपको सैम अय्यूब की आज की बैटिंग कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपने भूलना ही नहीं है।